तो यूनिवर्सिटी के गेट दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए उसी तरह से बंद कर दिए गए, क्योंकि वहाँ फंड कट्स हो गए हैं, फी हाइक हो रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी की स्थिति यही सरकारी यूनिवर्सिटी की रही। तो ये तमाम लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, किसान देश के वो खड़े हो गए, महिलाएं कि मणिपुर को नंगा करके महिलाओं को चलाया गया, यहाँ पहलवान बहनों को न्याय नहीं मिला, तो देश का तमाम वर्ग बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया था इन 10 सालों में। संविधान को कुचलने वाले लोगों को, हम ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को, हम ऐसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं उनको हम सत्ता में नहीं आने देंगे। तो अयोध्या में इनका जाना तय था इसलिए भी, क्योंकि जिस तरह से एक मंदिर के नाम पर इन्होंने वो पूरे देश में चाहा वोट मांगने के लिए, और एक मंदिर के नाम पर हज़ारों घर तोड़ दिया गया अयोध्या में गरीबों के, दलितों के, तो वहाँ पर जो रोष था लोगों में, वहाँ पे जो गुस्सा था लोगों में, उन्होंने बोला कि हमें मंदिर तो स्वीकार है लेकिन हमारा घर टूटना स्वीकार नहीं है। सर, अयोध्या के हिंदू हिंदू नहीं रहे, लगातार ट्रोलिंग हो रही है। ये चेहरा पूरी तरह से साफ करता है कि अयोध्या का जो मंदिर है वो सिर्फ वोट के लिए बना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय जी। नमस्कार सर। सर, जिस तरह से चुनाव के पूर्व यह चल रहा था कि फिर से जो है मोदी सरकार आ जाएगी, हालांकि वो 400 पार का नारा दे रहे थे लेकिन एक दो चरणों के बाद ही उन्होंने इस नारे को छोड़ दिया था, लेकिन यह बात लगभग सभी कह रहे थे कि सरकार उनकी बन जाएगी, 300 प्लस रहेगा, अब रिजल्ट आ चुके हैं और सरकार बनाने की कवायद चल रही है, तो इस तरह की जीत की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल नहीं थी इस तरह की जीत की उम्मीद, एनडीए की या फिर 240 की भी हमें उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि हम लोग लगातार सड़कों पर थे, हम गांव गिराव में थे, तो वहां की जनता, मतलब देश की जनता इतनी त्रस्त थी, देश के युवा इतने त्रस्त थे कि 10 सालों में जो वायदे किए गए थे रोज़गार का, उसके साथ साथ शिक्षा का, लेकिन उसके हुआ क्या कि बेरोज़गारी उसी तरह से बढ़ गई, और दूसरी तरफ अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो यूनिवर्सिटी के गेट दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए उसी तरह से बंद कर दिए गए, क्योंकि वहाँ फंड कट्स हो गए हैं, फी हाइक हो रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी की स्थिति यही सरकारी यूनिवर्सिटी की रही। तो ये तमाम लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, किसान देश के वो खड़े हो गए, महिलाएँ कि मणिपुर को नंगा करके महिलाओं को चलाया गया, यहाँ पहलवान बहनों को न्याय नहीं मिला, जो कुश्ती वाली बहनें थीं उनको न्याय नहीं मिला, इसी जंतर मंतर पे वो बैठी हुई थीं। उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि कठुआ में, उन्नाव में, हर जगह महिलाओं के साथ अपमान हुआ, बीजेपी पूरी तरह से उस जो एक्यूज है उसके साथ मिली रही, और उसी पार्टी से लोग आते हैं, तो महिलाएँ भी उनके खिलाफ रही, तो देश का तमाम वर्ग बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया था इन 10 सालों में, और इसका नतीजा 4 जून को साफ हो गया कि हम कोई भी आ जाए लेकिन हम ऐसे संविधान को कुचलने वाले लोगों को, हम ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को, हम ऐसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं उनको हम सत्ता में नहीं आने देंगे। तो चुनाव पूरी तरह से एक तरफ बीजेपी, ईडी, ईसीआई, सीबीआई, तमाम संस्थाएं थीं, पूरा का पूरा तंत्र था, पुलिस महकमा था, हर चीज़ था उनके पक्ष में, और दूसरी तरफ देश की जनता थी, तो जनता की एक तरह से ये जीत हुई है। सर, हम जब इस चुनाव को देखते हैं तो नरेंद्र मोदी ने ये पूरा चुनाव एम फैक्टर पे लड़ा था, मटन मछली, मुसलमान मुजरा, उन्होंने लगातार इन मुद्दों पे ध्यान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जो विपक्ष था, इंडिया गठबंधन था, राहुल गांधी जो थे, वो लगातार संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई, और जो है इस देश के, मतलब जो है सभी संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या लगता है कहाँ पर जो है बीजेपी बहुमत से तो दूर हो गई लेकिन अभी भी लार्जेस्ट पार्टी है, क्या लगता है जनता ने उनको क्यों नहीं चुना? सर देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो यही विवेक इनका मर गया, और उसके साथ जितने भी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे अपोजिशन के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, मटन मुजरा और तमाम चीज़ें, तो ये उनको खा गया। और जो दूसरी तरफ थी, जो पार्टियाँ जो बार बार देश के हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में बात कर रही थी, बेरोज़गारी के सवाल पर बात कर रही थी, उसके साथ साथ किसानों के MSP पे बात कर रही थी, उसके साथ साथ महिलाओं के आबरू पे बात कर रही थी, आरक्षण, दलितों के आरक्षण पे बात कर रही थी, तो ये पार्टियाँ मुद्दों पर बात कर रही थी, रोजी रोटी रोज़गार पे बात कर रही थी, और दूसरी तरफ चाह रहे थे कि चुनाव मटन मुर्गा मुजरा और धर्म के नाम पर ही हो, लेकिन देश की जनता ने उस सारे डिबेट को नकार दिया। देश की जनता ने इस बात पे अपना ध्यान केंद्रित रखा
कि जो भी उन पर जुल्म हुए हैं उसका जवाब हमें देना है। और 4 जून का दिन सिर्फ वोट का रिजल्ट नहीं था, वो बकायदा देश की जनता का बदला भी था, जवाब भी था। सर, यूपी से होकर गुजरता है रास्ता प्रधानमंत्री बनने का। यूपी ने बीजेपी के रथ को पूरी तरह रोक दिया, हालांकि साथ में बंगाल और महाराष्ट्र भी हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और जहां से उनकी राजनीतिक पार्टी का जो आधार है वो अयोध्या इस बार खिसक गया। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, यही बात है ना कि सरकार को लगता है कि जहाँ यूपी में वो 70 सीट और 72 सीट जीत कर आते हैं तो उनको लगता है कि यूपी की जनता ने एकदम धर्म के नाम पर हमें वोट दे दिया है और मोदी जी के चेहरे के नाम पर वोट दे दिया है। लेकिन यूपी की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। यूपी की जनता अपने हक और हकूक को समझती है। यूपी के छोटे छोटे गाँव अपने हक को समझते हैं। और जितने अधिकतर हिंदी पट्टी के लोग हैं, कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अरे नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन जितने भी हिंदी पट्टी के लोग हैं वो अपने हुकूक को जानते हैं। उनको पता है कि जिस तरह की गरीबी है, जिस तरह की दिक्कतें हैं घर में, और उनके बच्चे को यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा है, उनका एक बच्चा डिग्री लेके बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ें वो देख रहे थे। 10 साल उन्होंने देखा, इंतज़ार किया और उसका जवाब इन्होंने दिया। और दूसरी तरफ जहाँ अयोध्या की बात है, तो अयोध्या में इनका जाना तय था, इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से एक मंदिर के नाम पर इन्होंने वो पूरे देश में चाहा वोट मांगने के लिए, और एक मंदिर के नाम पर हज़ारों घर तोड़ दिया गया अयोध्या में गरीबों के, दलितों के, तो वहाँ पर जो रोष था लोगों में, वहाँ पर जो गुस्सा था लोगों में, उन्होंने बोला कि हमें मंदिर तो स्वीकार है लेकिन हमारा घर टूटना स्वीकार नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाके वोट दिया। सर, अगर चुनाव को देखें तो एम फैक्टर पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन सरकार बनाने की जो कवायद है वो एन फैक्टर पे चल रहा है। 2 N के बीच में 3rd N फंसे हुए हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेके? और सर, ये अगर ये सरकार बनती है तो क्या लगता है ये स्थिर सरकार दे पाएगी पूरे 5 साल? एक कमज़ोर सरकार है ये, एक इस तरह की सरकार है कि जहाँ जो कह लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी चाहते थे, जिस अहंकार के साथ हमेशा चाहते थे हर पॉलिसी को पास करवा ले जाना, अभी उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। कभी भी सरकार बदल सकती है। तो इसलिए जो भी आज लोग, हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी एकेडमिया में लोग अनुकंपा पे आए हैं, सरकार के आरएसएस के आशीर्वाद से आए हैं, तो चेत जाएँ कि सरकार कभी भी गिर सकती है। और जिस तरह का आप चाहते हैं कि लोगों पर जुल्म ढाना, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, चाहे वो किसी भी सरकारी संस्थान में हो, तो उनको चेतने की अभी ज़रूरत है कि अभी आप रुक जाइए, अभी आप इस तरह के जुल्म छात्रों पर और उस पर मत ढाइए, तो देश की जनता पर मत ढाइए। तो वही है कि ये चेताने वाला वक्त है और ये सरकार कभी भी गिर सकती है, सच बात है। सर, अयोध्या के हिंदू हिंदू नहीं रहे, लगातार ट्रोलिंग हो रही है। वही बात है कि अयोध्या में ये कन्फर्म करता है, ये चेहरा पूरी तरह से साफ करता है कि अयोध्या का जो मंदिर है वो सिर्फ वोट के लिए बना था। और इस देश का संविधान ये कहता है कि स्टेट और धर्म का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कर दिया। आज जो ट्रॉल कर रहे हैं लोग, वो इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी हार गई, इसीलिए कह रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के लोग मंदिर नहीं जाते हैं क्या? जो जीते हैं क्या वो धर्म को नहीं मानते हैं क्या? उनके कार्यकर्ता धर्म को नहीं मानते हैं क्या? तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक पार्टी के हो गए हैं भगवान राम, सिर्फ एक पार्टी के बीजेपी के हो गए हैं मंदिर हो गया है, और उसमें किसी का योगदान नहीं, जबकि देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना है, बीजेपी के अनुकंपा से नहीं बना है मंदिर। सर, स्मृति ईरानी को लेकर क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी को लेकर यही कहेंगे कि जिस तरह से उनकी पहली अहंकारी महिला का हार हुआ है, जिस तरह का उनका अहंकार था कि कोई भी आ जाए हरा दूंगी, या फिर जिस तरह का धर्म के नाम पर उनके बयान थे, और उसके साथ अब चाहती थी कि मोदी जी के नाम पर हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता कब तक मोदी जी के नाम पर वोट देंगे? आपको हारना तो पड़ेगा ही, और हार मिली है। लापता लेडीज़ में एक लेडीज़ वो भी हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो 400 सीटें दे दीजिए हम संविधान बदल देंगे, इसी नारे के साथ ये चुनाव चला था, और अब जाके मामला 240 पे टिक गया है, क्या कहेंगे? ये जब आया, ये बात आई और देश के जनता के बीच में गई है। आप देखिए कि मैं जितने भी गांव में जा रहा था, वो दलित गांव, ओबीसी के गांव, तमाम जगह ये नारा इनका वहाँ वहाँ तक पहुँचा है। और उन लोगों में जो गुस्सा है सरकार के खिलाफ कि कौन है माइका लाल जो संविधान बदलने की बात करता है, वो गुस्सा हमें दिखाई दिया है सड़कों, मतलब गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में। तो इसका जवाब है कि वो 240 पर सिमट गए। हालांकि सही ढंग से और चुनाव होता तो मुझे लगता है कि वो 150 ही पार नहीं कर पाते।
चलिए, आपने हमसे बात की सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने सुना विधानंद जी को, जिन्होंने अपने हर मुद्दे पे अपनी राय रखी और बताया कि अगर कोई संविधान को छूने की हिम्मत भी करेगा तो उस सरकार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।